सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो आज काफी समय के बाद में मैं आई हूँ आपको लेकर के एक ऐसी जगह पर जहाँ जाना मुझे तो पसंद है ही, साथ ही साथ आपको भी ये वीडियो देखना पसंद आता है। तो आज मैं फाइनली आई हूँ बहुत लंबे समय के बाद में एक नर्सरी में, और एक नहीं एक्चुअली तो मैं दो नर्सरीज में गई थी। तो ये है पहली नर्सरी जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ही इनके घर हैं, तो यहाँ रहते हैं। ये नर्सरी पड़ती है मोहाली पंजाब में, सुहाना एक जगह है। सुहाना में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, सुहाना गुरुद्वारा, उसकी उसकी साइड में जाकर के लांड्रा रोड पड़ती है। सुहाना गुरुद्वारा के बराबर में ही है एक लांड्रा रोड, तो उस पर काफ़ी सारी नर्सरीज हैं, तो वहाँ मैं आई हूँ। तो ये एक पहले छोटी सी नर्सरी पड़ी थी जहाँ पर ये देखिए कुछ ही पौधे थे, गमले भी थे, पौधे भी हैं, और यहाँ पर ये लोग रहते भी हैं क्योंकि गमले बनाते भी हैं। तो मिट्टी के गमले भी मिलते हैं, सीमेंटेड गमले भी मिलते हैं। और इन्हीं की एक बड़ी नर्सरी और भी है जहाँ पर मुझे जाना है, वो भी मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी। ये नर्सरी भी काफ़ी सारे पौधे थे इसके अंदर, फिर मैंने सोचा कि एक और नर्सरी, जब इन्हीं की नर्सरी है वो भी, तो वहाँ पर भी एक बार ही जा करके देखती हूँ कैसी नर्सरी है, क्योंकि मैं इससे पहले कभी गई नहीं थी और हो सकता है शायद मुझे कुछ नए पौधे देखने के लिए मिल जाएं, या मैं जो ढूंढने आई हूँ वो पौधे मुझे मिल जाएं। तो यही सोच करके पहले मैंने यहाँ पर पूरा सर्च किया, और ये देखिए यहाँ पर खाना वाना भी बनाते हैं ये लोग चूल्हे पर, तो बिल्कुल एक गांव वाली फीलिंग आ रही थी, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। अभी तो सर्दियाँ हल्की हल्की सी जा रही हैं, तो हल्की सी तो क्या जा रही हैं, पूरी ही गर्मी आ गई है, तो ऐसे में बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पर। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी खाट के ऊपर बैठ करके, अगर आप यहाँ पर फूलों को देखें तो बहुत ही अच्छा सा नज़ारा होता है। मैं तो थोड़ी देर बैठी भी थी यहाँ पर, और ये एल्पेशियम का पौधा दिखा रही थी मैं, फूल वाला जो था। तो चलिए दूसरी नर्सरी में मैं आ गई, और ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी नर्सरी थी और मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर आसपास इतनी नर्सरी बड़ी मिलेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी नर्सरी थी। यहाँ पर एक साइड में इन्होंने पूरा प्लांट्स का लगाया हुआ था और दूसरे साइड में लगाए हुए थे गमले। तो मिट्टी के गमले 60 रुपये से स्टार्ट थे, और ये सेरामिक के गमले आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब 150 रुपये से लेकर के और 500, 700, 800, 1000, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये गमले थे। और वैरायटी तो यहाँ पर सेरामिक के गमलों की इतनी थी कि मतलब जो आप सोचेंगे डिज़ाइन वो यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ ये कि ये लकड़ी का भी प्लांटर था जो स्टैंडिंग में था, तो अगर थोड़ी जगह है तो, और अगर आप सीजनल फ्लावर वगैरह लगाना चाहते हैं तो उस वाले लकड़ी के जो अभी आपने साइड में देखा इसमें लगा सकते हैं। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको सारे सेरामिक के गमले, बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे शेप के गमले थे, और यहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी थे। और ये है देखिए गुरुद्वारा, गुरुद्वारा के सामने ही, जस्ट सामने है सुहाना गुरुद्वारा है, एक तो बड़ा गुरुद्वारा है और एक उससे आगे जा करके ये गुरुद्वारा पड़ता है आई हॉस्पिटल से पहले। तो जो मेरे फ्रेंड मोहाली रहते हैं और जो इस नर्सरी में आना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा बताऊंगी अभी इस नर्सरी के बारे में, थोड़ा सा ना प्राइसी लगी मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद में एक, पहली बात तो नई नर्सरी आई हूँ, और दूसरी चीज़ ये वैरायटी तो यहाँ पे मतलब इतनी थी कि जहाँ जैसे मर्जी आप प्लांट ले सकते हैं, जो भी प्लांट आप सोचेंगे वो मिल ही जाएगा लगभग। और लेकिन थोड़ी प्राइसी लगी मुझे, क्योंकि हर, थोड़ी नहीं काफ़ी प्राइसी लगी, हर प्लांट के रेट जैसे कि मैं अब तक खरीदती आई हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा ही था। लेकिन नर्सरी आई थी तो प्लांट तो लेकर के जाने ही थे, तो मैंने भी कुछ प्लांट्स की शॉपिंग की है, तो दिखाती हूँ आपको। ये कुछ प्लांट्स यहाँ पर पॉन्सेटिया है, और ये रबर प्लांट है, डिफनबेकिया है, फाइकस है, और डिफनबेकिया और पॉन्सेटिया की बहुत अच्छी वैरायटी थी। ये स्टार लाइट फाइकस है लगा हुआ जो आप कलरफुल पत्ते देख रहे हैं, और यहाँ पर ये हैंगिंग मनी प्लांट है। तो इस तरह की बास्केट्स अगर आपके यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है तो इस समय तो आप फर्न है या फिर मनी प्लांट को बास्केट में लगा करके हैंग कर सकते हैं, छोटी छोटी बॉटल्स वगैरह में भी लगा सकते हैं। और ये देखिए एक डिस्कवरी स्कूल करके है यहाँ पर इसके नर्सरी के पास ही, तो जो फ्रेंड यहाँ से लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये देखिए,
तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको प्लांट्स की तो ढेरों वैरायटी देखने के लिए मिलेगी। आपको ड्वार्फ वैरायटी चाहिए या फिर आपको बड़े हाइट का चाहिए, टेबल के ऊपर रखने के लिए चाहिए प्लांट्स, तो वो सभी तरह के प्लांट्स आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत से प्लांट्स थे। एग्लोनिमा की ही मैंने काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पर देखी जो मुझे आसपास नहीं देखने के लिए मिली थी। तो ये देखिए, मैं तो प्लांट्स खरीद करके ले आई और अब आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैंने कौन कौन से प्लांट खरीदे। हालांकि मुझे थोड़े से महंगे ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं अगली बार नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन हाँ ये कहूँगी ज़रूर कि अगर जैसे कोई प्लांट मुझे पर्टिकुलर चाहिए और वो मुझे अगर कहीं नहीं मिला तो मैं इस नर्सरी पर जा कर के देख सकती हूँ। तो ये मैंने पहला जो खरीदा था ये है फाइकस का प्लांट, और फाइकस की तो काफ़ी सारी वैरायटी थी। स्टारलाइट फाइकस जो है वो डबल शेड के पत्तों वाला था, मैंने ये वाला मेरे पास पहले भी था तो मैंने वही लिया है। दूसरे नंबर पे मैंने लिया है पॉइनसेटिया का प्लांट। ये हमेशा चलने वाला प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत से रेड कलर के पत्ते आते हैं इसके ऊपर। और तीसरे नंबर पर जो मैंने लिया है ये क्रोटन लिया है। महंगी है, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि इसमें प्लांट्स जो मैंने खरीदे हैं ये भी मुझे काफ़ी कॉस्टली लगे हैं। 170 का उन्होंने मुझे क्रोटन दिया है, पॉन्सेटिया का प्लांट जो है वो 250 का दिया है, और ये जो है गुड़हल का प्लांट यानी हिबिस्कस, ऑरेंज कलर का हिबिस्कस जो है वो उन्होंने 230 रुपीज़ का दिया है। और इसके बाद में लेकिन प्लांट बहुत खूबसूरत से हैं और ये परमानेंट प्लांट है तो हो सकता है शायद इस करके हुए हैं। फिलहाल उन्होंने मुझे जो बताया, उन्होंने बताया कि पेट्रोल डीजल के प्राइस थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसीलिए उनकी गाड़ी जो आती है प्लांट्स की वो पुणे से आती है, और पुणे से आती है तो फिर उसमें डीजल वगैरह जो लगता है तो वो हम ही लोगों से लेते हैं, इसीलिए प्लांट्स के प्राइस थोड़े ज़्यादा हैं। अब ये देखिए जो सीजनल प्लांट थे, जैसे कि ये डायंथस था और ये गजानिया, गजानिया हालांकि मेरे पास एक और भी है लेकिन एक ही था, इसी वजह से मैंने दो और लिए हैं। तो ये गजानिया ऑरेंज कलर का और एक था पिंक कलर का, और पिंक कलर का ही मैंने डायंथस लिया। तो ये मुझे 25 ईच प्लांट दिया है उन्होंने। वैसे 20 रुपए के मिलते हैं, 10-15-20 रुपए के मिल जाते हैं, तो ये मुझे 25-25 रुपए के मिले हैं। और ये देखिए, एक मैंने लिया था पिटूनिया और उन्होंने, मैंने चेक नहीं किया, उन्होंने ही पैक किया था और ये ऐसा दिया जो जड़ से ही निकल रहा था। तो यही मेरे प्लांट्स थे टोटल जो मैंने खरीदे हैं, और ये मुझे सारे पड़े हैं 775 रुपीज़ के। तो अभी इनको मैं जब शिफ्ट करूँगी तब आपके साथ में वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि फ़िलहाल अभी तो मैं नहीं करूँगी, मैं कंपोस्ट बना रही हूँ। जब वो बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो घर की कंपोस्ट में ही मैं ये प्लांट्स को सारे शिफ्ट करूंगी। तो अभी उसमें 10 से 15 दिन अभी और लगने हैं, तो 10 से 15 दिन तक मैं इनको बैग में ही रखूंगी। बाकी जो छोटे छोटे प्लांट हैं उनको मैं रिपोर्ट कर दूंगी हैंगिंग बास्केट में। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था। और ये देखिए, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, मेरे नेस्टेशियम के प्लांट जो कि घर के बीजों से मैंने लगाया था, तो ये कितने सारे फूल खिले हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इसको देख करके। बस धूप लगेगी, जितनी ज़्यादा धूप लगेगी उतने जल्दी ये फूल खिलते हैं। तो फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था, आशा कर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए। मैं मिलूंगी जल्दी ही आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।